अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 और आज मैं बात करूँगा लाइव पेंट बोकेट टूल्स और लाइव पेंट सेलेक्शन टूल्स। तो ये दो टॉपिक बहुत अहम है और ये इलस्ट्रेटर में बहुत अच्छी रोल अदा करते हैं। तो चले शुरू कर लेते ट्यूटोरियल। लेकिन हसबी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। तो मैं यहाँ से न्यू पेज ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मेरे कमांड है लाइव पेंट बकेट। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अब मैं आपको मिसाल के तौर पर मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी फिल मैं ख़त्म कर देता हूँ और स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ से मैं राउंड शेप ले रहा हूँ। राउंड शेप लेने के बाद यहाँ पर ये जो सर्कल के दरमियान में एक पॉइंट नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करने से पहले अल्ट बटन दबा दें। अल्ट बटन दबाने के साथ यहाँ पर कर दे क्लिक, तो ये ग्रीन पॉइंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो गया। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे 30 डिग्रीज पर कुछ कॉपीज चाहिए। ठीक है, अगर मैं ओके कर दूं तो ये यहाँ से सिर्फ ओके हो जाएगा 30 डिग्री पर, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर कॉपी। तो मैंने जहाँ यहाँ जैसी कॉपी लिया तो उसने यहाँ से दूसरी कॉपी 30 डिग्री पर मुझे दे दिया। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल डी के साथ मुझे एक अच्छा सा डिज़ाइन उसने दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इन सब को सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप यहाँ पर हर जगह पर एक अलग-अलग कलर देंगे एक डिज़ाइन बनाने में, तो आपको यहाँ पर अगर पेंटर पर जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको यहाँ पर इस सिलेक्शन पता नहीं कौन कौन सी सेलेक्ट कर देगा, कौन सी आपको चाहिए कौन सी नहीं। लेकिन इसके लिए को इलस्ट्रेटर वालों ने बहुत ज़बरदस्त एक कमांड दिया है, वो है लाइव पेंट बकेट। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं कर्सर के साथ। दरमियान वाला है नन, रेड वाला है वाइट और लेफ्ट वाला है पैटर्न। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पर कलर चेंज करने, तो जैसे मैं यहाँ पर किसके करीब लेके आऊँगा वाइट नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर दूंगा तो रेड सेलेक्शन होने के साथ यहाँ पर देखो यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लैक। तो इसी तरह इन दोनों के साथ लेफ्ट और राइट में येलो और ब्लैक नज़र आ रहे हैं। अब मैंने माउस छोड़ दिया और कीबोर्ड की तरफ आ रहा हूँ। कीबोर्ड से अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये कलर यहाँ चेंज होता जा रहा है और साथ स्वचेज में भी चेंज होता जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए ये वाला कलर, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं उसको क्लिक कर दूँगा सिंपली। अब ये ऐसे है कि मुख्तलिफ खाने हैं आपके पास और आप हर कलर से लोटा भरवा कर और इसी खाने में डालना है। तो इसी तरह ये बिल्कुल जिस तरह आपको कौन सा कलर चाहिए उसी तरह आप इसमें पिल कर दे जाए। अब मैं एक ही डिज़ाइन के हिसाब से जा रहा हूँ ताकि गंभीर न बन जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर ये ग्रीनिश में जाऊँगा। अब मैं ये ग्रीन कर दूँगा, ग्रीन तो नहीं है लेकिन सॉरी ठीक है, यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये ब्लू सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस चॉकलेटी कलर को ठीक है और यहाँ पर मैं कर दूंगा बिल्कुल रेड। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया, एक डिज़ाइन बना दिया। अब आप चाहेंगे कि इसके यहाँ से जो स्ट्रोक है वो ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पर आकर और स्ट्रोक यहाँ से कर दें नन। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं दोबारा कर देता हूँ।
मैंने दोबारा अंडू कर दिया, यहाँ पर आप जाकर और यहाँ पर कर दे आप ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड ओके कर दे। ओके करने के बाद यहाँ पर रेड माउस क्लिक कर दे और अनग्रुप कर दे। अनग्रुप करने के बाद यहाँ पर ये आप यहाँ पर सेट पर कर दे। तो दूसरा तरीका इसका ये है, अब ये भी ग्रुप है, ठीक है। अब चाहे कि यार ये भी अनग्रुप हो जाए तो रेड माउस क्लिक कर दे और उसको दोबारा कर दे अनग्रुप। अनग्रुप हो गया। अब चाहे कि यार ये वाला कलर मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप सिंपली डिलीट कर दे, ठीक है। आप जो जो कलर आप सेलेक्ट डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप डिलीट कर दे। ये हर एक पीस अलहदा अलहदा हो गया, ठीक है। तो ये तरीका था आज का लाइव पेंट बुकेट का। अब मैं आगे जा रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या है। अब दूसरा कमांड जो है ना, लाइव पेंट सेलेक्शन टूल्स। अब ये क्या है, ये तो सिर्फ खानों वाला फिल्टर है। अब मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ। अच्छा, इसी पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है। ये बटरफ्लाई है, ये सिर्फ आउटलाइन में है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कलरफुल हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह आप लाइव पेंट लेकर, ठीक है, और यहाँ से आप स्वच्छ सेलेक्ट कर दे। यहाँ से पहले इसके पर जो है ना आप सेलेक्ट कर दे ये वाला, और दरमियान में जो है ना आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर पिल करना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं ये पिंक, मैं इसलिए एक एक कलर सेलेक्ट करूँ ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक सेलेक्ट कर दें, ठीक है। ब्लैक में आप ये वाला, और यहाँ पर मैं इसकी कलर कर दूंगा थोड़ा सा चेंज, ठीक है। यहाँ से मैं स्काई ब्लू ले रहा हूँ, यहाँ से मैं येलो ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हल्का सा ब्राउनिश ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लूँगा ये, यहाँ पर मैं ले लूँगा। तो इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप आसानी से अपनी मर्जी से मुख्तलिफ कलर और वो भी बहुत जल्दी जल्दी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ, ठीक है। न्यू पेज लेने के बाद अब मेरा अगला टॉपिक है लव पेंट सेलेक्शन टूल। अब मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगल में, ठीक है। मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसकी सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसकी स्ट्रोक में कर देता हूँ फिल, मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी साइज में थोड़ा सा कम करके ताकि जूम में आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। इनको सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं ऑब्जेक्ट में जाकर और यहाँ पर मैं लाइव पेंट में जाकर और यहाँ से पहले आप कर दे मेक। मेक करने के बाद अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। लाइव पेंट सेलेक्शन टूल, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मैं माउस लेके आ रहा हूँ वो सिलेक्शन होता जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसी आउटलाइन को कर दूंगा कलर, लेकिन ये आउटलाइन जहाँ तक सेलेक्ट है यहाँ तक सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर स्वाचेज में जाकर और यहाँ से उसको कर दूंगा रेड, ठीक है। अब ये रेड हो गया, ठीक है। अब मैं जाकर इसको ये वाला, ये जो जल सा आ रहा है इसकी फिकर आप ना करिए, ऑटोमेटिक लेते हैं कोई मसला नहीं। इसको मैं कर दूंगा ब्लू, इसको मैं कर दूंगा येलो, इसको मैं कर दूंगा ग्रीन, इसको मैं कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जहां जहां पर पिल कलर, आउटलाइन कलर, स्ट्रोक कलर कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटलाइन के लिए बेहतरीन है, ठीक है। आप इसमें पैटर्न वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी मिसाल एक और दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया एलिप्स, एलिप्स में यहाँ से इसकी जो है ना अल्ट के साथ कापी ले रहा हूँ
और कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैंने उन सबको सेलेक्ट कर दिया और इसका स्ट्रोक कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, और यहाँ से इसका साइज बढ़ा रहा हूँ मैं 8 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाकर लव पेंट में जाकर और उसको कर दूंगा मेक। मेक करने के बाद अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये मेक हो चुका है। अब मैं लव पेंट सेलेक्शन टूल में जाकर और मैं सबसे पहले इसी जगह पर चेंज करना चाहता हूँ कलर, मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ और यहाँ से भी रेड करना चाहता हूँ। ये वाला मैं कर देता हूँ ग्रीन और ये वाला भी मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब इसको मैं करना चाहता हूँ येलो और इसको मैं भी येलो, येलो तो नहीं, ये ऑरेंज टाइप के, ठीक है। और इसको मैं करना चाहता हूँ और इसको भी मैं, सॉरी मैंने फिल कर दिया, इसको मैं भी येलो ये कर दूंगा ब्राउन और इसको मैं कर दूंगा। आप कोशिश करें कि जो दरमियान में रेड लाइन नजर आ रहा है इसी पर आप क्लिक कर दिया करें, वरना बाद में मसला नहीं होगा, ठीक है। उसको मैं कर दूंगा ब्लू, इसको मैं कर दूंगा ब्लू, इसको भी ब्लू और इसको मैं कर दूंगा ब्लू। तो इसी तरह आप आउटलाइन को आसानी से आप कलर के चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके और क्या मिसाल मैं दे सकता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल हो जाएगा लंबा, लेकिन आसानी सा है कि स्ट्रोक का और पिल का ये आसान सा तरीका है। मैंने मिसाल दे दी इस बटरफ्लाई पर, आप अगर इसको सेलेक्ट कर दे, ठीक है, और यहाँ से जाकर ऑब्जेक्ट में और जाकर आप लाइव पेंट में जाकर और यहाँ से मेक तो नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्शन में चला गया। अब इसको रिलीज करेंगे तो ये है गैप ऑप्शन। गैप वही कि अगर किसी सर्कल या रेक्टेंगल में कोई गैप हो तो आप इस गैप को जोड़कर एक लिमिट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइव पेंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइव पेंट सेलेक्शन टूल पर मैं जाकर और इसकी आउटलाइन में नज़दीक कर देता हूँ। अब ये आउटलाइन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं कलर दे दूँगा मिसाल के तौर पर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने अपना काम कर दिया, यहाँ पर सारा हो गया ग्रीन। मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर भी ग्रीन दे दूंगा। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा येलो, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा येलो, ठीक है। अब मैं उसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट का कमांड भी यूज कर दिया। अब मैंने शिफ्ट के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐड कर दी। मैं कह रहा हूँ कि ये हो जाए वाइट, ये हो गया वाइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सारे है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस ब्लू की और इस शिप ब्लू की चेंज करूँगा क्या रेड, तो ये रेड में कन्वर्ट हो चुके। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल, उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।